हेलो दोस्तों, तो बहुत दिनों बाद और एक नया खासम खास वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे बीच में वो जो प्रॉब्लम होती है, मेरा फ्री फायर ज़्यादा लोग खेलते हैं, मेरा पबजी ज़्यादा लोग खेलते हैं, वो जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसका प्रूफ भी मैं देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं घोष और आप देख रहे हैं टॉप 10। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा गेम है जो लोग ज़्यादा देखते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 10 नंबर पर आती है, या फिर वर्ल्ड गेमिंग लिस्ट के मुताबिक 10 नंबर पर आती है फोर्टनाइट, जो करीब से करीब 250 मिलियन लोग खेल चुके हैं अब तक। ये गेम बिल्कुल फ्री टू प्ले है और ये गेम 2017 को 26 सितंबर में लॉन्च किया गया था। और हमारे लिस्ट में 9 नंबर पर आती है फैंटेसी वेस्टयार्ड जर्नी। दोस्तों, ये गेम 310 मिलियन लोग अब तक खेल चुके हैं और ये भी बिल्कुल फ्री टू प्ले है और ये 2015 के अप्रैल महीने से 9th प्लेस में है। और हमारे लिस्ट में 8 नंबर पर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट सेलिटारी, जो 400 लोग खेल चुके हैं और ये भी फ्री टू प्ले है और ये 1990 में लॉन्च किया गया था और 2015 के जुलाई महीने में ये 8th प्लेस। और हमारे 7 नंबर पर आती है मिनीक्राफ्ट, जो 480 मिलियन लोगों ने खेला है और ये पे टू प्ले है और फ्री टू प्ले है। और ये गेम नवंबर 2011 को 18 तारीख को लॉन्च किया गया और 2019 से 7th प्लेस पे है। तो हमारे लिस्ट में 6 नंबर पर आती है टेरिस, जो 500 मिलियन लोगों ने खेला है और जून 6, 1984 में लॉन्च किया गया और ये भी पे टू प्ले और फ्री टू प्ले है। और 2016 में ये 6th प्लेस दखल कर लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो अब हम जाएंगे टॉप 5 पर। तो चलिए जान लेते हो कौन कौन सी टॉप 5 है। तो हमारे लिस्ट में 5 नंबर पे आते हैं कैंडी क्रश सागा, जो 500 मिलियन लोगों ने खेला है और अप्रैल 2012 में लॉन्च किया गया और ये फ्री टू प्ले है और जून 2014 को ये 5th प्लेस ले लिया। तो उसके बाद 4 नंबर पे आती है क्यू क्यू स्पीड, जो 2008 में लॉन्च होकर 2020 में जनवरी महीने में ही वो 4th प्लेस ले लिए और ये फ्री टू प्ले है। तो हमारे लिस्ट में 3 नंबर पर आते हैं पबजी। आपको अगर शायद विश्वास ना हो तो आपके सामने एक फोटो भी रखा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो इस गेम को 595 मिलियन लोगों ने खेला है और दिसंबर 2019 में ये गेम तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया और एक पे टू प्ले है। तो हमारे लिस्ट में 2 नंबर पर आती है ड्रैगन फाइटर, जो 600 मिलियन लोगों ने खेला है और ये बिल्कुल फ्री टू प्ले है और 2005 में रिलीज होकर ये गेम 2018 में सेकंड प्लेस प्राप्त कर लिया। तो हमारे लिस्ट में 1 नंबर पर आती है क्रॉस फायर, 660 मिलियन लोगों ने ये गेम खेला है और बिल्कुल फ्री टू प्ले और मई 3rd को 2007 में रिलीज होने वाली ये गेम सितंबर 2018 में फर्स्ट प्लेस ले लिया। तो मेरी लैंग्वेज में कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ कर देना और ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और प्लीज़ वीडियो को कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय हिंद।